पॉलिटिकल सवाल है सर, जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना कर दी है, इस पर क्या कहना है? इंडिया 24-26 दलों का गठबंधन है और एनडीए 38 दलों का गठबंधन है, सूझ रहा है आपको? ये जान लीजिए, ये जो नंगा नृत्य कर रहे हैं ना लोग, संप्रदायवाद नफरतवाद का, इसका अंत होने वाला है, इसलिए घबराहट में लोग ज़्यादा हैं। इसलिए संप्रदायवाद नफरतवाद का अंत होगा, हजारों साल से सताए गए लोगों का सम्मान आने वाले समय में 24 में भी रहेगा और 25 में भी रहेगा। चलिए, अगर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर कोई कमी नहीं रहती तो लोग यहाँ क्यों आते? ये हर जगह आते, मणिपुर को भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को भी देख लीजिए, कौन एक युग नहीं, कई जन्म जन्मता है कि तब कोई कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेता है या कोई गोल्ड मेडलिस्ट होता है किसी भी डिसिप्लिन में। महीनों महीनों जब बैठ करके लोग देखा है, जनता जंतर मंतर पर हुआ, एमपी पर कार्रवाई हुई, क्या हुई सो बताइए। तो ये अधिकारियों का जो भी कम्युनिकेशन गैप है तो उसको बांटने के लिए ही ना विधायिका है जी, कार्यपालिका को बांटने के लिए, तो उसके लिए प्रयास होता है हर दिन, सब दिन से होते आया, आज भी हो रहे हैं। ये जन सुनवाई कार्यक्रम सामान्य भी थे और शिक्षा विभाग का भी था, तो जो शिक्षा विभाग से संबंधित मामले थे, कहीं डीओ से संबंधित, कहीं आरडीडी से संबंधित, कहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संबंधित, वो तदनुसार चाहे संबंधन का मामला हो या कहीं नालंदा का मामला आया, जो एनओसी प्राप्त है, भवन नहीं बन रहे हैं तो ये मामला हो तो उसको निर्देशित किया गया, फिर इंटर काउंसिल का मामला, 2-3 इंटर काउंसिल का मामला आया है, अब ये तिवारी जी का मामला था कि भाई इनको 2 जगह काज करने का चिट्ठी निकला और ये इनको अधिकारी ने कह दिया, प्रतिनिधि का स्थल का तिवारी जी ही कोई हैं, तिवारी जी को कह दिए कि भाई नहीं तुम मेरे ही यहाँ काम करो, और उसके चलते उनकी नौकरी चली गई। तो भाई इस संबंध में जो आवश्यक कार्रवाई है मेरे लेवल से जो हो सकता है वो चेयरमैन से बात करने का, फिर लिख कर देने का, ये सब काम का डिस्पोजल हुआ है। तो दर्जनों लोग आए, फिर रेरा वाला भी एक समस्या आया है, डीएम से बात करनी है, जो अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड है वो जो भी इंटाइटल रजिस्टर्ड जिसने रजिस्ट्रेशन कराया, आपके तरह के कई लोग होंगे, मतलब समाजी के लोग होते हैं, तो 22 लाख दे करके 18 लाख दे करके, अब उसको न तो भूमि आवंटन हो रहा है, न कोई कार्रवाई हो रही है, लोन लेकर लोग परेशान हैं। तो इस तरह की जो बातें आई है इसके मामले में हमारी पार्टी के द्वारा आयोजित जो जनता दरबार है और संबंधित को डीएम साहब इसमें संबंधित सीधे उनको रेरा कोर्ट का उनको आदेश गया है, तो कार्रवाई के लिए उनको लिखे भी हैं और बात भी करेंगे, बात करने का प्रयास किया तो उनसे बातचीत ना हो पाई, उधर से हमारे पीएस के माध्यम से रेस्पॉन्स आया कि हम बाद में बात कर लेंगे। बिहार में तो लोग आते हैं जनता दरबार में, ज़्यादातर समस्याएं किन चीज़ों से जुड़ी होती है, क्या प्रशासनिक, क्या प्रदेश से संबंधित, क्या अन्य समस्याएं? ये तो ज़्यादातर तो हम जैसा देखते हैं भूमि और शिक्षा से संबंधित मामले आते हैं, और कुछ प्रशासनिक स्तर के भी आते हैं जो सामान्य प्रशासन विभाग से और पुलिस होम्स डिपार्टमेंट से रहता है संबंधित, वैसे मामले ज़्यादा आते हैं, 2-3 डिपार्टमेंट का ज़्यादा आता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।